हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हैं BIT सिंदरी, विरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में ये पूरा कॉलेज घूमते हैं। BIT सिंदरी का ये कॉलेज, ये प्रवेश द्वार है, तो लोकल लोग भी यहाँ पर घूम सकते हैं, अनुमति है। और प्रवेश द्वार के पास कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, तो ये बैनर लगा हुआ है, अलग अलग नामों से अलग अलग प्रचार हो रहा है यहाँ पे। तो ये कॉलेज दोस्तों बहुत ही बड़ा है, आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए देखते हैं और आगे क्या क्या कुछ है इस कॉलेज में, बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ है। छोटा छोटा पार्क भी बनाया गया है ताकि और खूबसूरत लगे इस कॉलेज को देखने में। तो दोस्तों यहाँ पर BTEC के छात्र, MTEC के छात्र यहाँ से पढ़ाई करके अपनी डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं। बहुत ही बड़ा कॉलेज है, देख सकते हैं। ये छोटा छोटा पार्क बनाया गया है, देख सकते हैं। और जितना भी एग्ज़ाम वगैरह होता है, JEE, मेंस, एडवांस, जो भी हो, इस तरह के जितने भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग छात्रों का, यहीं पर सेंटर भी होता है, देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम सेंटर अभी तो हो नहीं रहा है एग्ज़ाम, लेकिन यहीं पर होता है, देख सकते हैं। यहाँ बैनर भी लगा हुआ है, BIT सिंदरी JEE मेंस एग्जामिनेशन सेंटर। तो इस तरह, क्योंकि दोस्तों जितने भी इंजीनियरिंग छात्र हैं सभी के सेंटर भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ही होता है, इसी तरह। तो ये भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज ही है, BIT सिंदरी, जो एक झारखंड का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। इधर चलो। तो दोस्तों इस कॉलेज की स्थापना 1949 में हुई थी, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना पुराना कॉलेज है झारखंड का, और सबसे बड़ा कॉलेज है। BIT सिंदरी के नाम से ये कॉलेज प्रसिद्ध है, और बहुत ही छात्र ऐसे हैं जो इस कॉलेज में आने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये सब कॉलेज में एडमिशन एग्ज़ाम से ही होता है, जैसे घूस वगैरह पैसा देकर तो होता नहीं है, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेजों में आप लोग पैसे के द्वारा अपना BTEC की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, MTEC की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजों में आपको एग्ज़ाम से ही एंट्री मिलती है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा कॉलेज है, और बहुत ही कम से कम लगभग दोस्तों मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर के दायरे में फैला होगा ये कॉलेज, कम से कम 2 तो ज़रूर होगा दोस्तों, उसके बारे में उतना पता नहीं है। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा क्षेत्र में ये कॉलेज फैला हुआ है, और इधर कैंटीन वगैरह सब कुछ छात्रों के लिए बनाया गया है, और अलग अलग काउंटर भी बना हुआ है सब चीज़ों के लिए। तो कोर्स के हिसाब से अलग अलग लैब बनाया गया है, जहाँ पर जितने भी इंजीनियरिंग छात्र हैं अपना अपना रिसर्च करते हैं अपने अपने लैब में, अपने अपने वर्कशॉप में। तो देख सकते हैं आगे, और आगे दोस्तों यहाँ पर कैंटीन बनाया हुआ है छात्रों के लिए। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और सब चीज़ों की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हैं, कैंटीन से चाय नाश्ता सब कुछ कर सकते हैं इंजीनियरिंग छात्र। तो दोस्तों घूमते घूमते थक जाइएगा, बहुत ही बड़ा कॉलेज है यहाँ पर बनाया हुआ है। हम लोग को मौका मिला आने का तो आ गए, और अच्छा हुआ हम लोग आए, तभी आप लोग भी देख पा रहे हैं ये वीडियो, ये ब्लॉग, तभी हम लोग बना पा रहे हैं। तो दोस्तों आगे तो आगे दाएँ पीछे बाएँ हर तरफ रास्ता बना हुआ है, कहीं भी जा सकते हैं। तो हम लोग शॉर्टकट से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं हमारे पास, छात्र भी अभी दिख नहीं रहे हैं, शायद छुट्टी में होंगे। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे कितना बड़ा कॉलेज है ये BIT इंजीनियरिंग कॉलेज, इससे BTEC के छात्र यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों हम लोग तो ITI वाले हैं, लेकिन फिर भी BTEC और MTEC के कॉलेज घूम रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है।
चलिए देखते हैं और क्या कुछ है इस कॉलेज में। छोटा सा वीडियो दोस्तों बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ही ज़रूरी है लोगों के लिए। उतना समय निकाल करके आप लोग देख रहे हैं वही बड़ी बात है। तो आप लोग देख सकते हैं हर चीज़ों के लिए अलग अलग बनाया हुआ है वर्कशॉप और लैब। तो ये कॉलेज घूमने में कम से कम 2-3 घंटे तो ज़रूरी लगेंगे, उससे ज़्यादा ही लग सकता है, कम नहीं। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।